विद्युत एक कलाकार के रूप में बेहद भरोसेमंद हो गए, ऐसा कहना था विपुल अमृतलाल शाह का एक इंटरव्यू के दौरान। विद्युत जामवाल ने निशिकांत कामत द्वारा डायरेक्टेड और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा प्रोड्यूस्ड फोर्स के साथ अपनी शुरुआत की करीब एक दशक पहले। हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिल्मी फॉक्स के फिल्मी मसाला सेगमेंट में। पिछले एक दशक में विद्युत में जो बदलाव उन्होंने देखा है, इसके बारे में बात करते हुए विपुल कहते हैं वो तब भी अपने क्राफ्ट के महारथी थे और वो नहीं बदला है। वो ऐसे काम कर सकता है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। साथ ही सिनेमा को लेकर उनकी समझ में काफ़ी सुधार हुआ है। वो एक कैरेक्टर की स्किन में ढलने के लिए बहुत एफर्ट्स डालते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस में झलकता है। एक अभिनेता के रूप में उनमें तेज़ी से सुधार और एक बदलाव हुआ है जो वेलकमिंग है। वो एक कलाकार के रूप में बेहद भरोसेमंद हो गए हैं और अपकमिंग फिल्म सनक इसे साबित करेगी। उन्होंने मुझे बहुत सी नई चीज़ें और काम करने के तरीके दिखाए जिन्हें हमने सनक में जोड़ा है। ये अपने काम में जुझारूपन और ग्रेस लाते हैं और एक्शन सीन्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की श्रेणी में शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जब वीडियो शूटिंग नहीं कर रहे होते हैं तब भी वो अपने क्राफ्ट को निखारने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जो उनकी सभी फिल्मों में दिखाई देता है। इसी के चलते विद्युत जामवाल ने हॉलीवुड के अपने सफर की शुरुआत कर दी है। दुनिया के शीर्ष मार्शल आर्ट कलाकारों में से एक के रूप में पहचाने जाने के बाद, ब्रूस ली, जैकी चैन और जेटली जैसे दिग्गजों की पसंद में शामिल होने के बाद विद्युत जामवाल ने हॉलीवुड की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वो अब आधिकारिक तौर पर एकमात्र भारतीय एक्शन सुप्रीमो हैं जिन्हें इंडस्ट्री की सबसे रेप्यूटेड टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी वंडर स्ट्रीट द्वारा साइन किया गया है, जो टोनी जा, माइकल जा वाइट और डॉल्फ लुंडग्रेन जैसे एक्शन स्टार्स का रिप्रेजेंटेटिव है। पिछले साल अपने चैट सेगमेंट एक्सरेट बाय विद्युत के माध्यम से खुदा हाफिज अभिनेता ने दुनिया भर के एक्शन आइकन्स के साथ बातचीत की जिन्होंने अपने देशों की सीमाओं के पार मार्शल आर्ट के लिए अपने जुनून को आगे बढ़ाया। जैसा कि हम देख सकते हैं विद्युत भी इतने सालों से कलरी पलटू के अपने इस जुनून को मौका मिलने पर प्रदर्शित करते रहते हैं और साथ ही साउथ की इस सबसे पुरानी मार्शल आर्ट फॉर्म को एक वर्ल्ड क्लास फॉर्म साबित करने से कभी नहीं कतराए हैं। जैसा कि इंडस्ट्री उन्हें संकेत देती है, जामवाल हॉलीवुड में अपने काम से भारत को अपने एक्शन की बदौलत ग्लोबल मैप पर लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो वंडर स्ट्रीट पार्टनर्स क्रिस्टीन होल्डर और मार्क होल्डर के साथ काम करेंगे। एक्शन स्टार और मार्शल आर्टिस्ट के लिए बड़ा कदम उनकी कड़ी सफलताओं के बाद आया है जिसमें कमांडो श्रृंखला, खुदा हाफिज और जंगली शामिल है। उन्होंने इस साल अपने बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स के साथ फिल्म प्रोडक्शन में कदम रखा है। सूत्र ने खुलासा किया है वो अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ सहयोग के लिए हॉलीवुड के कुछ प्रमुख निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ अपने जुड़ाव के बारे में बात करते हुए जामवाल कहते हैं, मैं हॉलीवुड के कुछ सबसे मेहनती लोगों के साथ जुड़कर उत्साहित हूँ। जामवाल की आने वाली फिल्मों में सनक और खुदा हाफिज चैप्टर 2 शामिल है। फिल्मी फॉक्स को आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।